मेडेलुंग डिफॉर्मिटी तो यह समस्या फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़ा एक विकार है जिसमें गर्दन, कंधे और बांह के पास में फैटी टिश्यू विकसित होने लगते हैं, यानी उनमें जो वसा का भराव है उनमें होने लगता है। सही कारण इसका मालूम नहीं चला है। यानी जैसे आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में गड़बड़ी की वजह से भी यह यानी मेडेलुंग डिफॉर्मिटी की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में जेनेटिक रीजन के चलते भी आपको यह समस्या हो सकती है, यानी अगर आपके माँ बाप में यह बीमारी रही है तो बच्चों में यह बीमारी जाने के चांसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जाए। और रही बात मेडिसिन की, तो किस तरीके से हम इस बीमारी में दवाइयां दे सकते हैं, तो दवाई उसी कंडीशन में हम दे सकते हैं कि हमें सही तरीके से मालूम हो, क्योंकि ये इसमें सूजन भी नहीं होती है, क्योंकि इस चर्बी है ना, इसके अंदर कोई मवाद है और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कैंसर भी नहीं है। यानी यह समस्या ट्यूमर जैसी होती है। तो हम मैंने कम से कम 1.5 साल पहले कैबगोलाइन टेबलेट के ऊपर वीडियो बनाया था, तो कैबगोलाइन टेबलेट का इस्तेमाल यानी ट्यूमर को निकालने के बाद हम इस टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग को सुखाने के लिए भी हम कैबगोलिन टेबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस टेबलेट को हम मेडेलुंग डिफॉर्मिटी की समस्या के समय हम दे सकते हैं, पर गारंटी नहीं है कि आपको इससे फायदा होगा, पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप इस जो कैबगोलिन टेबलेट है इसके अंदर कैबगोलाइन इंग्रेडिएंट होगा, और 4 टेबलेट की रेट कम से कम 300 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये बीडी आपको ये टेबलेट आपको 0.25 में और 0.5 mg में मिलेगी। तो अगर आपको मेडेलुंग डिफॉर्मिटी की समस्या ज्यादा है तो 0.5 की टेबलेट आप ओडी या बीडी कम से कम 7 दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यानी इस तरीके की चर्बी को सुखाने के लिए किसी भी तरीके इस तरीके की मेडिसिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो यानी मार्केट में अवेलेबल है पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम और सेफ्ट जिडायम, नोवामैक्स अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लाबुलनेट और सेफ्ट्रियाजोन, इस तरीके के इंजेक्शन होंगे, कुछ एस्टेरॉयड इंजेक्शन होंगे। तो इस बीमारी में हम एस्टेरॉयड जो इंजेक्शन है उसको दे सकते हैं। खासकर आपको जो कैबगोलाइन जो टेबलेट है वो देनी होगी, और सुखाने के लिए यानी 2 या 3 दिन आप जैसे पिप्रासिलिन या टेजोबैक्टम में इंजेक्शन लगा सकते हैं, 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाएं, यानी जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं 1 ग्राम यानी 1000 mg का इंजेक्शन। और गारंटी इस दवाइयों की नहीं है कि ये उनको यानी जो चर्बी है उसको सुखा देगी। तो यानी इस तरीके के जो इंजेक्शन है ऑपरेशन के बाद यानी घाव और मवाद और किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को सुखाने के लिए हम पिप्रासिलिन और टेजोबैक्टम को इस्तेमाल में लाते हैं। तो इस कंडीशन में हम दे सकते हैं, यानी 1 या 2 इंजेक्शन लगाकर देख सकते हैं और कैबगोलाइन टेबलेट दे सकते हैं। और स्टेरॉयड में हम डेक्सा है और आपने जैसे और भी कई जो इंजेक्शन और दवाइयां आती है स्टेरॉयड में तो वो दे सकते हैं। तो 100% इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि चर्बी किस तरीके से सुखाएं, क्योंकि ये यानी ये मोटापा वाली समस्या नहीं है, ऑटोमेटिक ये विकसित हुई है और ये गर्दन के पास में इतनी बढ़ जाती है। जैसे आपने एक हीरो जो सॉरी सिंगर हैं उनका नाम है शायद बप्पी लहरी, तो उनमें उनकी गर्दन में यानी इस तरीके की ही मेरे को समस्या नजर आ रही है, यानी मेडुलिंग डिफॉर्मिटी की। हो सकता है नहीं हो, कई लोगों में यानी ज्यादा फैट के चलते यानी पूरी बॉडी में यह समस्या हो सकती है, पर मेरे ख्याल से इस बीमारी में यानी केवल गर्दन या फिर कंधे के पास में यह समस्या होगी तो वही हिस्सा फूल जाएगा और यानी जो 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 इंसान है वो कुरूप दिखाई देगा। सटीक यानी कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी आती हैं, जैसे कैलकेरा कार्ब है, मेलेडोना है और इस तरीके की दवाइयां आपको मिल जाएंगा है, तो और सल्फर है, इस तरीके की दवाइयां हम यानी इस कंडीशन में दे सकते हैं। और परमानेंट यानी गारंटीड इस तरीके का मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये 100% ठीक होगा। अगर आपकी नजर में कोई दवाई हो इस बीमारी से जुड़ी तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे भी बता सकते हैं। तो होने के चांसेस इस तरीके की बीमारी को, तो इस तरीके के लोग जो ज्यादा खाना खाते हैं और उनकी वर्किंग नहीं यानी वो मेहनत नहीं करते हैं, यानी जब भी हम किसी भी तरीके का आहार लेते हैं तो वह आहार एटीपी के रूप में यानी एडिनोसिन
एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में इकट्ठी होती है और जब भी हम काम करते हैं तो वो जो ऊर्जा है हम यानी चलते समय या एक्सरसाइज करते समय वो इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके के लोग जो खाते ज्यादा हैं और उनका काम कुछ नहीं है यानी काम उनका इस तरीके का है केवल लेटने का, तो उनको शायद ये समस्या जल्दी हो सकती है। कुछ मामलों में जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में यानी गड़बड़ी की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। और इसको ठीक करने का, अगर इन दवाइयों से आपको मेडुलिंग डिफॉर्मिटी की समस्या ठीक ना हो तो आप एक बार अपने बायोप्सी करा सकते हैं कहीं ये कैंसर तो नहीं है। अगर गंभीर ट्यूमर है उनमें पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते कि उसकी गर्दन में केवल यानी ये समस्या है और उसको पेन नहीं है। और अगर आप ब्लड में टेस्ट करेंगे तो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं, तो आप किस तरीके से दवाइयां देंगे? अगर आपको इससे बेहतर कोई ट्रीटमेंट मालूम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।